इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में आपको बताया गया है कि अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रल पता करना हो तो पहला स्टेप क्या होता है, यू सेलेक्ट द फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड करना है, उसके लिए रूल बताया गया था। यहां पर बच्चों सिर्फ एक ही फंक्शन है log x, तो हमने इसको क्या लिख दिया, log x into 1, और 1 को आप x की पावर 0 मतलब एलजेब्रिक फंक्शन की कैटेगरी में रखेंगे। सेकंड फंक्शन मतलब i l a t e, मैंने बताया था ये जो i का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, l लॉगरिथमिक फंक्शन, a एलजेब्रिक, t ट्रिग्नोमेट्रिक और e एक्सपोनेंशियल, जिस प्रेफरेंस में ये लिखे हुए हैं उसी के प्रेफरेंस उसी ऑर्डर में आप फर्स्ट एंड सेकंड डिसाइड करते हो। तो यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन है हमारा फर्स्ट और वन हमारा हो गया सेकंड फंक्शन। अब आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल याद है क्या आद्या, बताओ प्रोडक्ट फार्मूला। प्रोडक्ट फार्मूला होता है बच्चों फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डीओ डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिखो और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू, ये जो भी आएगा इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है बच्चों प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डीओ डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और ये जो भी क्वांटिटी आएगी इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बताया गया है। तो बच्चों अब देखो इंटीग्रल ऑफ dx पता है, यस इंटीग्रल ऑफ dx होता है x माइनस, अब इंटीग्रल ये कितना है भाई, dy dx का 1 अपॉन log x कितना 1 अपॉन x होता है। इंटीग्रल ऑफ dx x dx, तो भाई फाइनली क्या आ गया, ये I is equal to x log x माइनस इंटीग्रल ऑफ dx तो आ गया x log x माइनस एक्स प्लस आप कांस्टेंट, बाद में हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं। ये तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है भाई, नोट नहीं करेंगे अभी बच्चों, आप लोग एक बार पूरा समझते चले जाओ, बाद में मैं सारी स्लाइड दिखा दूंगा नोट कर लेना। अभी आपको सारे कॉन्सेप्ट समझना है, तो फार्मूला था बेटा पहले तो ये डिसाइड करते थे फर्स्ट एंड सेकेंड कौन सा है, और उसके बाद फार्मूला है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू माइनस डीओ डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, जो भी ये क्वांटिटी आएगी इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट, इट इज अ फार्मूला। अभी कल पेपर हुआ है बोर्ड एग्जाम 12th का मैथ्स का पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, उसी क्वेश्चन को पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन था बच्चों इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर 2x इनटू dx, क्वेश्चन है ये आया हुआ था इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 2x इनटू sin x, 4 मार्क्स में था शायद e की पावर 2x इंटू साइन x, सभी लोग ट्राई कर सकते हैं, आपको सब कुछ सारे रूल्स पता है, कौन सा फंक्शन फर्स्ट लिया जाएगा कौन सा सेकंड लिया जाएगा वो पता है, प्रोडक्ट रूल यूज करो, देखो सॉल्व कर पाते हो बहुत अच्छी बात है। अभी पेपर में आया था ये 21 क्वेश्चन नंबर 21 है ये बुक का एक्सरसाइज 7.6 बोर्ड एग्जाम्स 2022 में आया है इसी तरह। अनंत पहला फर्स्ट और सेकंड डिसाइड हो गया, आई रेट के अकॉर्डिंग ले सकते हो आप, ई तो बाद एक्सपोनेंशियल ई तो सबसे बाद में, उसको सेकंड लेंगे इसको फर्स्ट लेंगे। अब फार्मूला यूज करो, दृष्टि फार्मूला बोलो, एफ ऑफ एक्स नहीं यहाँ इसके अकॉर्डिंग बोलो, इधर बोलो क्या होगा, पहला फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डीओ डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जो भी क्वांटिटी आएगी पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू, दिस इज अ फार्मूला। पहला स्टेप तो फॉर्मूला अप्लाई करना था, ठीक है भाई, इसके बाद अब कुछ बातें आएंगी, साइन एक्स इसी तरह बताओ भाई ई टू द पावर 2x का इंटीग्रल क्या होगा, ई की पावर 2x बाई 2, गुड ई की पावर x का होता है ई की पावर x,
और अगर x की जगह में लीनियर है तो बताया गया था सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये a की पावर 2x का इंटीग्रल आ गया माइनस डीओ dx का sin x पता है cos x होता है, e की पावर 2x का इंटीग्रल बताओ भाई, फिर अभी अभी लिखा है e की पावर 2x / 2 और इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों ये पहला फॉर्मूला हमने यूज कर लिया और आप यहां तक पहुंच गए, ये स्टेप सबको क्लियर है। अच्छा इसके बाद ये देखो 1 by 2 e की पावर 2x into sin x हो गया माइनस 1 by 2 कांस्टेंट है e की पावर 2x into cos x आ गया। यहां पर फिर से आपको बोलिए ये 2 को इधर लाए। अब जो है यहां पर फिर से एक इंटीग्रल आ गया e की पावर 2x into cos x, फार्मूला यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट फार्मूला, तो आप इसमें फिर से प्रोडक्ट फार्मूला यूज करिए, ये फर्स्ट हो जाएगा ये सेकंड हो जाएगा और इस इंटीग्रल को हमने इक्वल टू आई लिखा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट लगा लेना भाई जब फार्मूला यूज करोगे, इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप लिखता हूँ भाई, ये हमारा है आई इक्वल टू चल रहा है क्या था भाई, या कोई याद दिलाएगा, 1 अपॉन 2 e की पावर 2x कितना था sin x माइनस 1 बाई 2 और e की पावर 2x cos x यहाँ था, ये आपने फिजिकल स्पेस में लिखा हुआ है। अब क्या करने वाले हैं 1 बाई 2 e की पावर 2x sin x माइनस 1 बाई 2 ब्रैकेट लगाया भाई, वहां प्रोडक्ट रूल यूज करना है। प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिसाइड करना सबको आता है, ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, प्रोडक्ट रूल यूज करना है। अब प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है भाई, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर e की पावर 2x / 2 हो गया माइनस, बैठ जाओ इधर उधर से वहां कहां बैठो। अब देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड हो गया माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन बताओ भाई माइनस sin x इंटीग्रल ऑफ सेकंड e की पावर 2x / 2 इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट, ये मैंने e की पावर 2x into cos x के इंटीग्रल में फिर से प्रोडक्ट रूल यूज किया, तो ये क्या गया 1 by 2 e की पावर 2x sin x माइनस ब्रैकेट खोल रहा हूं भाई, क्या एक स्टेप और लिख लो चाहे 1 by 2 लिखा रहने दिया cos x into e की पावर 2x / 2 माइनस, ये आउटसाइड डबल इंटीग्रल लिख सकते हो तो प्लस हो जाएगा, 1 by 2 को आप पहले लिख सकते हो इंटीग्रल की e की पावर 2x sin x, अब लगेगा नहीं, अब वही सेम फंक्शन आ गया सेम इंटीग्रल आ गया जिसको आपने स्टार्ट किया था, उस इंटीग्रल को हमने आई से डिनोट किया था, तो जब ये रिपीट कर जाता है तो उसकी जगह में हम आई लिख देते, तो अब देखो ये क्या आ गया आई इक्वल टू, जब मतलब आई हमने किसको लिया है इस इंटीग्रल को आई से डिनोट किया है, तो अब इन दैट इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट आई, ये तो आई से डिनोट किया हुआ है हमने, ये क्या आ गया आई इक्वल टू 1 / 2 e की पावर 2x sin x ब्रैकेट ओपन करो माइनस 1 / 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 / 4 हो जाएगा e की पावर 2x cos x माइनस 1 / 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 / 4 और ये क्या है देखो i आप सुनो भाई, इसके बाद हमें तो i की वैल्यू चाहिए, रुई बताओ ये तो सब कुछ सिंपलीफिकेशन हो रहा है, माइनस बाहर ले लिया और 2 बाहर ले लिया याद है, अब इसकी जगह में मैं आई लिख दूंगा और ब्रैकेट खोल दिया माइनस 1 / 2 मल्टीप्लाई कर दिया, बस नोट बाद में करना बेटा अभी आप समझ लो, लिखते समय फिर वो गड़बड़ हो जाता है, माइनस 1 / 4 आई को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या जाएगा आई प्लस 1 / 4 आई इज इक्वल टू, इन दोनों में इक्की पावर 2s कॉमन दिख रहा है 1 / 2 भी कॉमन दिख रहा है 1 / 2 इक्की पावर 2s कॉमन ले लिया, बचेगा क्या sin x माइनस 1 / 2 cos x, हमें ये i प्लस 1 / 4 i कितना होगा 5 / 4 i इक्वल टू 1 / 2 e की पावर 2x sin x माइनस 1 / 2 cos x, ओके हमें तो i की वैल्यू चाहिए तो 5 / 4 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट,
तो फाइनली आई कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा 5 बाई 4 से डिवाइड कर दो बस 1 बाई 2 अपॉन 5 बाई 4 टी की पावर 2x साइन x माइनस 1 बाई 2 cos x बाद में प्लस था कॉन्स्टेंट, इसको सिंप्लीफाई कर लो 1 बाई 2 अपॉन 5 बाई 4 जैसे था, ये 4 मार्क्स में अभी आया था कल के पेपर में था। तो आपको पता चल गया कि प्रोडक्ट रूल जिसको पता है रिपीट करता है कुछ इंटीग्रल, तो इंप्लेस ऑफ दैट आई लिख देते हैं सेम इंटीग्रल कभी आता है तो ये तो सॉल्व हो गया। दो क्वेश्चन थे डायरेक्ट क्वेश्चन थे इंटीग्रल के पेपर में, तो अगर आपको रूल्स पता है तो ये सॉल्व हो जाएगा। आज ठीक है भाई, ओके है। आज अभी आपको इस चैप्टर इसमें देखो एक तो ये टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 मैंने बताया था ना 7.5 और 7.6 से एक एक क्वेश्चन कंफर्म बोर्ड में आता है, तो 7.6 का एक टाइप ये है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था x into sin inverses और x into tan inverses, वो इंटीग्रल आ सकते हैं। और अब आपको लास्ट में जो बताने जा रहा हूं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हो सकता है आपके टाइम पर वही आए जो अभी हम डिस्कस करने वाले, ठीक है, ओके। हाँ बेटा, हाँ बेटा, माइनस वन बाई टू मल्टीप्लाई होगा ना, ये माइनस यहां से आते तो ये प्लस हो गया और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो अगेन माइनस हो गया। आप खुद करेंगे इसको भाई, देखो आपको सिर्फ लास्ट स्टेप बेटा ये, इसके पहले वाला ये, आप इसको देखो मत, हमें आई निकालना। हमने आई किसको लिया हुआ था, हमने इस इंटीग्रल को आई से डिनोट किया था, लेट अस डिनोट दिस इंटीग्रल। मैं जब कभी भी इंटीग्रल स्टार्ट करता हूं ना तो उसको आई से रिप्रेजेंट करता हूं और आई की वैल्यू भी पता करना पड़ता है। इस इंटीग्रेशन में मतलब बच्चों कॉपी मत करो, आप पूछोगे तो दो तीन बार पूछोगे, दो तीन बार बताया जाएगा, खुद करो सारे स्टेप्स और लास्ट में अपनी अपनी बुक से आंसर चेक करो। नहीं मैच कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बताया जाएगा। कॉपी करने से कोई फायदा नहीं होता, कॉन्सेप्ट समझो सिर्फ, ठीक बात है भाई। एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी नोट करना होगा तो बाद में मैं दिखा दूंगा। सुनो, एक टाइप है इसमें, इसी में प्रोडक्ट रूल में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए बच्चों। एक क्वेश्चन आएगा e की पावर x और यहाँ एक फंक्शन होगा और यहाँ उसका डेरिवेटिव होगा, इस टाइप का मिलेगा। एंट्रेंस एग्जाम में तो बहुत आता है इस तरह का, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है और आपके बुक में 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं बेस्ड ऑन दिस टाइप। ये टाइप ही समझ लो, अलग से पढ़ दो इसको। अगर मान लो आपको दिया जाए यहां पर e की पावर x होगा, ब्रैकेट में यहां एक फंक्शन होगा प्लस इसका डेरिवेटिव होगा, यहां डायरेक्ट इस फॉर्म में तो बहुत आसान रहेगा। अभी मैं आपको स्टेप बता रहा हूं कि इस तरह का कोई इंटीग्रल आएगा तो कैसे सॉल्व करना चाहिए, कोई भी नोट नहीं करेगा। इधर देखिए, तो इस इंटीग्रल को आई से डिनोट कर लेंगे और सदाची नोट मत करोगे, और इसके बाद में आप क्या करोगे, e की पावर x f ऑफ x dx हो जाएगा प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा e की पावर x f dash x, ब्रैकेट खोलोगे उसके बाद दोनों को डिस्ट्रीब्यूट, सम ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रल का मतलब सम ऑफ देयर डेरिवेटिव, सम ऑफ देयर इंटीग्रल, ये रूल अप्लाई कर लिया यहां तक, ओके है। अब क्या करना है, दो पार्ट है, एक पार्ट में यहाँ पर फंक्शन है और दूसरे पार्ट में उसका डेरिवेटिव। एक पार्ट में वन पार्ट कंटेन्स फंक्शन एंड अदर पार्ट कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, तो जिस पार्ट में डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन होगा उसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिखा रहने देना, ठीक है। और जिस पार्ट में फंक्शन ऑफ एक्स है वहां पर आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना है। जिस पार्ट में फंक्शन ऑफ एक्स है इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको एज इट इज लिखते चले जाएंगे, बाद में वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये वाला पार्ट जिसमें फंक्शन ऑफ एक्स है उसमें क्या करोगे, आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना है। e की पावर x आपको पता है i लेट में e तो सबसे बाद में आता है, तो एक्सपोनेंशियल को तो आप सेकंड ही लोगे और ये जो भी होगा उसको फर्स्ट लेंगे। f ऑफ x की जगह में कोई फंक्शन होगा, उस फंक्शन को किससे डिनोट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन, ओके। ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाए, लॉगरिथमिक हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, उसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड। अब आपको प्रोडक्ट फार्मूला तो पता है, क्या है भाई प्रोडक्ट फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, e की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर x माइनस डी ओ डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन
इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और ये जो भी क्वांटिटी आएगी उस पूरे का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट, प्लस इसमें तो मैंने कहा था कुछ करना ही नहीं, एज इट इज लिख दीजिए आप इसको g पावर x f डैश x। अच्छा अब आपने क्या किया इसको, जब आपने फार्मूला यूज कर लिया g पावर x f ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x को आप डिनोट करते हो f डैश x से, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज डिनोटेड एज f डैश x, और e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x होता है इस पूरे का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x से, प्लस e की पावर x f डैश x dx, यहां तक पहुंच गए। आप देखो ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी एग्जैक्टली सेम जो आप जिसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे, दूसरे पार्ट को नहीं कर रहे, यही वाला आ गया ना, और ये प्लस साइन का ये माइनस साइन का, तो इसको क्या करना है ये हट जाएगा, बस इंटीग्रल खत्म हो गया, सिर्फ यही आ गया। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिल गया, e की पावर ये आ गया भाई e की पावर x f ऑफ x प्लस आपका आंसर। तो इसका इंटीग्रल क्या आता है, मैंने लिख दिया e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x टाइप का इंटीग्रल मिलेगा, तो वो इंटीग्रल फाइनली क्या आ जाता है, e की पावर x f ऑफ x आ जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन हो डायरेक्ट आंसर लिख दो, टू मार्क्स का हो, फोर मार्क्स का हो, थ्री मार्क्स का हो, तो स्टेप लिखो। अब नोट करो, अब कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये वाले स्टेप्स आपको मैं क्वेश्चंस में नहीं बताऊंगा, इसी तरह से जो अभी किया गया है सारे क्वेश्चन में भी आप सेम स्टेप यूज करोगे, एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है, पहले डिसाइड करते हैं फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा, फिर फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन, देखो फर्स्ट फंक्शन के लिए लिखे ये इतने बढ़िया लिख रखा फर्स्ट एंड सेकंड के बाद, ये नोट कर लीजिए। अब जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो क्या करेंगे, पहले आपने पढ़ा हुआ है तो आप क्या करो, कुछ क्वेश्चन ट्राई करो, 70, 80, 90 और 20 आपको चार क्वेश्चन जल्दी से करना है, 70, 80, 90 और 20 आंसर मैथ नहीं करके पूछना है, 7.6 चल रही है। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो ये चार क्वेश्चन ट्राई कर लें, उनका रिवीजन हो जाएगा, 17, 18, 19, 20 ओके ये नोट कर लिया सबने, अनंत नोट कर लिया, आता है ये वाला, अब तुम चार क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, 17, 18, 19, 20 करो, इनको तब तक मैं बताता हूँ 16 क्वेश्चन से। ओके अब बस जैसे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 आपकी बुक में डायरेक्ट इसी पर बेस्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं है, 7.6 का क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर बेटा 328 ओके। अब भाई क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 16 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तीन मेथड बताए गए हैं आपको इंटीग्रेशन के, उसमें से एक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक मेथड हम लोगों ने कल की क्लास में किया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक रिमेनिंग मेथड आज डिस्कस हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तीन ही मेथड है इसमें। सो अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भाई, e की पावर x, यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ e की पावर x sin x plus cos x, ये दिया गया। तो बच्चों अब आप देखो जो टाइप मैंने बताया था उसी टाइप का इंटीग्रल है, e की पावर x है ब्रैकेट एक फंक्शन होगा और दूसरा उसका डेरिवेटिव होगा, कौन सा है f ऑफ x, कौन सा है उसका डेरिवेटिव, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह लिखा होगा, ये फंक्शन हो गया ये उसका डेरिवेटिव, ये f ऑफ x हो गया f डैश x हो गया है उस फॉर्म में। तो आपने जब ये डिसाइड कर लिया कौन सा f ऑफ x है कौन सा f डैश x है, उसके बाद के स्टेप्स क्लियर है, यहां पर भी वो स्टेप लिखने हैं, पहले आप लिखोगे इसको e की पावर x sin x dx प्लस इंटीग्रल e की पावर x cos x, ये स्टेप हो गया, दोनों में नहीं, दूसरे वाले को आपको इंटीग्रेट नहीं करना है, ठीक है, नहीं लूप में घूमते रह जाओगे फिर होगा नहीं, जिस पार्ट में f of x है उस पार्ट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें हम कुछ नहीं करने वाले, एज इट लिखेंगे, इसमें यूज करो तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, ओके। अब आपको फार्मूला पता है फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करिए, खाना बताओ फॉर्मूला क्या होता है, इसमें क्या लिखूं,
अभी आपको सबको फार्मूला बताया जा चुका है, तो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला यूज किया, ये ओके है। अब छोटे छोटे से कुछ फार्मूला मिलेंगे यहाँ पर, e की पावर x का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ sin x शायद पता है सबको, cos x होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, ये पूरा इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू x। और आपने देखा कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, ये माइनस में ये प्लस में, ये कैंसिल आउट हो जाना, कैंसिल ऐसे करते नहीं बच्चों, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर, नेक्स्ट सिस्टम में ये माइनस और प्लस जीरो हो गया, माइनस वन प्लस वन जीरो हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ ये, नहीं हाँ प्लस जीरो लिख सकते, मतलब आप नेक्स्ट सिस्टम में ये लाइन ऐसे ड्रॉ नहीं करनी होती आपको, नेक्स्ट सिस्टम में डायरेक्टली आपको लिखना होता है e की पावर x sin x लिख देना होता है प्लस वन, वो कुछ नहीं करते हैं अपने आप कैंसिल आउट, या मतलब माइनस वन प्लस वन जीरो, सो जीरो ऐड करते हो तो सेम आता है फंक्शन, ये ऑपरेशन है कैंसिल, तो आपको समझाने के पर मतलब कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे हम कर देते हैं, ये कोई ऑपरेशन नहीं होती है कैंसिल आउट, समझ आ गया। अच्छा फाइनली आंसर क्या आ गया, e की पावर x sin x, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट लिखना है। अब बच्चों ये तो था डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें सेम मतलब ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल इसी फॉर्मेट में मिल जाएगा, कुछ स्टेप्स आपको यूज करने होंगे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, इसमें आपको मैं बताऊंगा कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। 16 डन, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या कहा गया है, यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ x e की पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ये e की पावर x मुझे दिखा तो मैं ट्राई करूंगा कि उस फॉर्मेट में बदल जाए, बदल जाता तो बहुत अच्छी बात है, हो गया भैया नहीं बदला तो आज सुनना क्या स्टेप ध्यान रखना जिसे बदल जाए। किसी से भी सॉल्व हुआ है क्या, किसी से नहीं सॉल्व हुआ है, अंश नहीं सॉल्व हुआ, हो गया कुछ तो भाई देखो करना क्या होता है, आप e की पावर x को पहले अलग, सबसे पहले e की पावर x ही लिखो क्योंकि उसी फॉर्मेट में बदल, e की पावर x इनटू x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे लिखो। फिर मैंने एक पॉइंट बताया था, अंश बताओ क्या बताया था, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं और कुछ, पता है पार्शियल फ्रैक्शन भी वही है बट मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन का नेम नहीं बताया था, मैंने कहा था आप क्या किया करो, जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है, डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस 1 है, जो भी डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है ना सेम क्वांटिटी न्यूमरेटर में भी लाने की कोशिश करो, हाँ x प्लस 1 है ना यहाँ पर, तो ऊपर हम x प्लस 1 लाना चाहते हैं, वो कैसे आएगा, 1 प्लस कर दो 1 माइनस कर दो, तो नेक्स्ट सिस्टम में है x प्लस 1 माइनस 1 कर, ठीक है। अगर ये काम आप करोगे उसके बाद क्या करते हैं, जो सेम क्वांटिटी है ना उसको आपको अलग करना, दिस अपॉन दिस माइनस 1 अपॉन दिस करेंगे, लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आ गया भाई e की पावर x, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, ये स्टेप भी ठीक है भाई, x प्लस 1 अपॉन दिस माइनस 1 अपॉन x, प्लस वन मतलब जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है वही ऊपर लाना चाहता था, एक्स प्लस वन बनाना चाहता, उसके लिए मैंने प्लस वन किया और माइनस वन किया, फिर इसके बाद ये क्वांटिटी को अलग कर दे, दिस अपॉन दिस माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब आप देखो ये क्या आ गया भाई, e की पावर x 1 अपॉन x प्लस 1 आ गया प्लस माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख देता बच्चों। 1 upon f of x का डेरिवेटिव मैंने बताया था कैसे लिखना चाहिए, 1 upon f of x का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ 1 upon f of x होता है माइनस 1 upon f of x का होल स्क्वायर, आप क्वेश्चन रूल भी यूज कर लो चाहे आप डायरेक्ट याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ f of x, आप क्वेश्चन रूल यूज कर लो या x plus 1 को ऊपर ले जाओ, x plus 1 की पावर माइनस 1 करके इसका इसको डिफरेंशिएट तो कर सकते हो ना, 1 अपॉन x प्लस 1 का डेरिवेटिव तो पता कर सकते हो ना सब लोग, डिफरेंशिएशन इतना तो आता है ना। तो भाई देखो ये है फंक्शन और प्लस इसका डेरिवेटिव ही आएगा,
चेक कर सकते हो आप लोग, आप इसको डिफरेंशिएट करके देख ले। अगर आप देखोगे ना तो इसका डेरिवेटिव ये है, क्योंकि 1 upon f of x का डेरिवेटिव हमें पता है minus 1 upon f of x का whole square into डेरिवेटिव of f of x, वो 1 हो जाएगा। मतलब ये फंक्शन हो गया, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, जिसको डिफरेंशिएशन चेक करना हो चेक करो, ठीक है। अब भाई इस फॉर्मेट में ये दिया नहीं था, थोड़ा हमने इसमें कुछ स्टेप्स यूज किए, तो ये हमारा इसी फॉर्मेट में बदल गया, e की पावर x f of x plus f dash x। अब आगे के स्टेप तो क्लियर है, आगे के तो सेम स्टेप आपको यूज करना है जो मैंने बताया हुआ है, वो स्टेप लिखोगे आप, ठीक है ना, और हो जाएगा सॉल्व। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा e की पावर x f of x plus cos। मैंने दो तीन स्टेप जो हमने यूज किया है पहले वाले दो क्वेश्चंस में वो मैंने किया नहीं है, आगे के स्टेप बिल्कुल वैसे ही कर लो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। वन अपॉन एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा। हाँ बेटा, आगे अभी जो ये किया है ना इसमें, ये एफ ऑफ एक्स प्लस है, अलग अलग करो, सुनो, ये पहले अलग अलग करके फिर एक में कुछ नहीं करना, जिसमें फंक्शन का डेरिवेटिव था, दूसरे में प्रोडक्ट, हमने नहीं हटा ही नहीं दिया, मैंने वो सारे स्टेप लिखे नहीं, मैंने कहा आप करना, फाइनली आंसर ही आएगा, ठीक है ना। आपको ट्राई करना है, स्टेप लिखना है, और बाद में क्या आंसर आएगा वो मैंने आंसर लिख दिया, इसलिए प्लस सी हो गया वो, ठीक है। मोबाइल रखो, नहीं सॉल्यूशन नहीं देखना, मैं फोन फेंक दूंगा तुम्हारा मोबाइल देखो। एसी का टेम्परेचर कम करो, इसको यहाँ पे पीछे क्यों बैठी हो, इधर आ जाओ, यहाँ है जगह, आ जाओ इधर बैठ जाओ, इधर तो बहुत टेम्परेचर कम है, एक इधर बैठ जाओ एक इधर बैठ जाओ, मैं लगवा देता हूँ बेटा, कुछ दिनों बाद बरसात करा देता हूँ, बस खत्म। अच्छा नेक्स्ट, चलो एक क्वेश्चन ऐसा ही आपको दे रहा हूँ भाई, पूरा सॉल्व कर लिया, ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन कौन सा है, नहीं 18th नहीं, क्वेश्चन नंबर 20 करो भाई, 20 यस लिख देता हूँ यहाँ पर। x माइनस 3 e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का क्यूब, ये इंटीग्रल करना है, सभी लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे भाई इसको, भाई जल्दी जल्दी टाइम नहीं है, इसको पूरा सॉल्व करो, जल्दी करो भाई। हाँ मैंने एक पॉइंट बताया ना, जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है वही ऊपर बनाओ, x माइनस 1 है ना, तो ऊपर x माइनस 1 लाओ और माइनस 3 को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो, माइनस 3 को तो माइनस 1 माइनस 2 लिख सकते हो तो लिखो भाई, पेन चलाओ, पेन पहले लिखो, नहीं माइनस 1 माइनस 2 लिख दो ना, तीन बार क्यों करेंगे, अभी लिखूंगा पर तुम लोग कुछ तो करो, यस पूरा सॉल्व करो, नहीं नहीं इसमें आप पूरे एक एक प्रश्न पूरा सॉल्व कर दो, सर वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, वो करके देखना पड़ेगा, नहीं सारे आसान नहीं भाई, पहले चेक कर लिया करो,
बच्चों अभी तक का जो काम किया गया है यहाँ तक के स्टेप देख लीजिए, क्या आप लोग यहाँ तक पहुंच गए? एक्स काम दिया, आंसर एकदम सही आया। अच्छा ये एक्स माइनस वन था ना, अब यहाँ एक्स माइनस वन का क्यूब था, एक कैंसिल आउट होकर यहाँ तक पहुंच चुके हैं क्या आप लोग? अब देखो भाई यहाँ तक हो गया आंसर, हो गया। ये जो फंक्शन है मतलब इस फॉर्म में बदल लिया हमने, ये जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, इसका डेरिवेटिव यही आएगा माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब, डिफरेंशिएट करके चेक कर लो आप लोग। नहीं डिफरेंशिएट करके शो नहीं करना हमको, हमें पता होना चाहिए, इसके बाद हम अलग अलग करेंगे ना जब, और एक पार्ट में फार्मूला यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली लास्ट वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना? तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा ये फाइनल आंसर है। तो ये कन्वर्ट कैसे करना चाहिए वो मैंने बता दिया है। अब एक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, नहीं सॉरी कौन सा था ये, हाँ 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन में एक शॉर्टकट पता, ये आज देखो चार क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम्स में 4 मार्क्स में आ सकते हैं, 16 से लेकर के 20 तक में से कोई भी आ सकता है, और चांसेस अधिक है कि 18 या 20 में से कोई आए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर रहा हूँ भाई, एक काम करना आप इसको पूरा लिखना, पता चला बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे लिख करके चले आओ। वो एक स्टेप में नहीं आएगा, वो एक दो नंबर में आएगा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 इस तरह के आ सकते हैं 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, e की पावर x 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस cos x। अब बच्चों ये इंटीग्रल उस फॉर्म में तो नहीं है, इस फॉर्म में मैंने बताया है e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x, वैसे तो नहीं है, बट कुछ स्टेप्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब अपने सेकंड चैप्टर शुरू किया था, क्या डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, सभी जगह मैंने बताया था कि भाई 1 प्लस cos x दिखे तो क्या कर देना, 2 cos x by 1 प्लस cos थीटा हो तो आप उसको 2 cos स्क्वायर थीटा by 2 लिख देते हैं, मैंने कई बार बताया, करते ही करते हैं आप सिंपलीफिकेशन। तो ये जो 1 प्लस cos x है इसकी जगह में तो वो मैं लिखने वाला हूँ, फिर वो एंगल x by 2 हो जाएगा तो मैं साइन x को भी चेंज करूंगा, ये भी हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा by 2 cos थीटा by 2 बताया गया, साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा by 2 cos थीटा by 2 बताया गया ना भाई। तो ये हमने किया i is equal to e की पावर x 1 प्लस साइन x को भी लिख देता हूँ भाई 2 साइन x by 2 cos x by 2 और 1 प्लस cos x को तो लिखना ही है 2 cos स्क्वायर x by 2। ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया और वही सभी जगह यूज हो रहा है, डिफरेंशिएशन में भी यहाँ पर भी इनवर्स सिमेट्रिक फंक्शन में। आप बोलो नहीं ये तो अलग अलग करेंगे बस, क्योंकि वो f ऑफ x प्लस f डैश x लाना है ना, तो ये अलग अलग कर दो आप, ये आ जाएगा e की पावर x 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x by 2 प्लस 2 sin x by 2 cos x by 2 upon 2 sin x by 2 cos x by 2 upon 2 cos square x by 2। अब आप थोड़ा और सिंपलीफाई कर लो भाई इसको, तो क्या आएगा ये e की पावर x 1 upon 2 1 upon cos क्या होता है sec होता है ना, 1 upon cos square हो जाएगा sec square x by 2, उसमें देखो भाई 2 upon 2 1 हो गया, स्क्वायर यहां से कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा, क्या होता है वो टैन थीटा, तो मतलब टैन एक्स बाय। अब बताओ कौन फंक्शन है कौन डेरिवेटिव है, टैन एक्स बाय ये एफ ऑफ एक्स है ये एफ डैश एक्स है, टैन एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 इनटू एक्स बाय 2 का भी होता है 1 बाय 2, तो टैन एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव आएगा sec square x by 2 फिर x by 2 आएगा 1 by 2, ये डेरिवेटिव है ये फंक्शन है ये f of x हो गया f dash x हो गया, उसके आगे की स्टोरी से पता है आंसर क्या आएगा e की पावर x tan x by 2 टन, ये आएगा फाइनल आंसर आएगा e की पावर x tan x by 2 प्लस कांस्टेंट। बच्चों
अगर ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं ये आपको पता हो तो ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है भाई, हो गया। इस तरीके से जो एक 7.6 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक मैथड पर बेस्ड एक्सरसाइज थी, हमने कंप्लीट कर लिया है, ऑल वैरायटी हमने कवर कर ली। अब क्या है बच्चों, दो मैथड की बात हो गया, मतलब सब्स्टिट्यूशन मैथड तो अभी बीच बीच में भी यूज होता रहेगा, तो उसकी मास्टरी धीरे धीरे होगी। तीसरा जो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शंस ही एक पर्टिकुलर आपका चैप्टर हुआ करता था, अभी डिलीटेड है, 11th में पढ़ाते थे पहले भी, पार्शियल फ्रैक्शंस की डिटेल पढ़िए आप, किसी कंपाउंड फ्रैक्शन को सम ऑफ सिंपल फ्रैक्शंस कैसे लिखते हैं। उसके पहले एक बेसिक टाइप है जो फार्मूला बेस्ड है पूरा प्रोसीजर, वो कोई मैथड नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शंस का मैथड को भी डिस्कस करेंगे, उसके पहले कुछ एक बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको डिस्कस करने वाले, उसमें कुछ फार्मूला है जिनको अभी आपको मैं बताने वाला हूं, उनको याद करना। तो ये नोट करना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कंप्लीट है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस का टारगेट है आज। पार्शियल फ्रैक्शंस के पहले कुछ फार्मूला है जो आपको बताना है, जैसे इंटीग्रेशन के आपने फार्मूला कुछ पढ़ रखे हैं, अब वो 6 रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उनको डिस्कस करेंगे, आज मैं हटा रहा हूँ। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, ये याद है आप, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, और लॉग पॉजिटिव क्वांटिटी का डिफाइंड है इसलिए लॉग मॉड एक्स लिखते हैं। अब बच्चों अगर यहां पर x की जगह में लीनियर फंक्शन आ जाए, 1 अपॉन ax प्लस b आ जाए, 1 अपॉन ax प्लस b का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो क्या होगा, तो देखो अभी डायरेक्ट नहीं करते, अब इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे आया है। अगर आपसे पूछा जाएगा 1 अपॉन ax प्लस b, 1 अपॉन लीनियर, हमें फार्मूला तो 1 अपॉन x का पता है और यहां 1 अपॉन ax प्लस b आ गया, तो क्या करो आप, अगर मैं इस क्वांटिटी को एक सिंगल वेरिएबल से डिनोट करो, लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, ये तभी करना जब ये लीनियर हो, तभी के लिए एप्लीकेबल है। मैंने ए एक्स प्लस बी को टी ले लिया, जैसे ये सब्स्टिट्यूशन यूज करते हो बोथ साइड्स, क्योंकि जब आप इसको टी ले लोगे तो आप यह फंक्शन ऑफ टी बन जाएगा, फंक्शन ऑफ टी को तो टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हो, तो डीएक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ डी टी आना चाहिए। तो क्या करते हैं, बोथ साइड्स को डिफ्रेंशिएट करके विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर दो, अगर आप दोनों तरफ को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो डेरिवेटिव ऑफ ax + b इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t, डेरिवेटिव ऑफ ax हो जाएगा a, b का 0 हो जाएगा इज इक्वल टू dt / dx, तो a dx कितना होता है dt, तो अब dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 upon a dt आ जाएगा, मतलब अगर आप ax + b को t से डिनोट करते हो तो dx कितना आ जा रहा है, 1 upon a dt। तो अब हम लोग ये चेंजेस यहाँ करते हैं, ax plus b को हमने t लिया हुआ है तो ये हो गया 1 upon t, और dx की वैल्यू आ गई है 1 upon a dt, और 1 upon a is a constant quantity, 1 upon a is a constant quantity, तो मैं इसको out of the integral लिख देता हूँ, ये 1 upon t हो गया बच्चों, और 1 upon t का integral आपको पता है, 1 upon t का क्या होता है, 1 upon t का integral हो log, log t, बाद में आप ओरिजिनल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दीजिए, t कितना है, t हमारा ax plus b, तो फाइनली ये आंसर आ गया। हम लोग इस बात को कैसे पढ़ लेते हैं, वन अपॉन x का फार्मूला पता है और x की जगह में अगर लीनियर हुआ तो सेम फार्मूला यूज करते हैं, तो सेम फार्मूला अगर यूज करेंगे तो क्या आएगा, log ax plus b अपॉन में क्या कर लेते हैं, x का जो कोफिशिएंट अपॉन वन अपॉन ए, मतलब वन अपॉन ए लॉग ए एक्स प्लस बी ए, क्यों, क्योंकि ये एक नंबर में होता है, कहीं कहीं बीच में क्वेश्चन में यूज होता है, तो वहां हम ये सारे स्टेप्स नहीं लिखने वाले, हम लोग डायरेक्ट क्या लिख दिया करेंगे, इसका इंटीग्रल आपको बता दिया गया है, जैसे आपको बोला गया था कि साइन एक्स का इंटीग्रल होता है कितना, माइनस कॉस एक्स होता है, और अगर साइन टू एक्स प्लस थ्री का पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, माइनस कॉस टू एक्स प्लस थ्री अपॉन, ये डायरेक्ट लिखना है, वैसे ये आया कहां से है, ये सारे स्टेप्स यूज करके आया है, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको,
या तो एक नंबर में आएगा या कहीं क्वेश्चन के बीच में यूज होगा, क्वेश्चन के बीच में यूज होगा तो ये सारे स्टेप्स हम दिखाएंगे नहीं। अच्छा, ये तो हो गया वन अपॉन लीनियर की बात। अब बच्चों सिक्स टाइप्स हैं, सिक्स टाइप्स के रिजल्ट्स हैं, ये नोट करने की जरूरत नहीं। अब सुनो भाई, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए इज अ कॉन्स्टेंट, ए इज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। मतलब जैसे आएगा इंटीग्रल वन अपॉन नाइन प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन थ्री का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये फार्मूला आया कैसे है वो भी मैं बताने वाला हूं। ये फार्मूला होता है वन अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आया बच्चों, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आया वन अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब हम लोग ये जितने भी आपको सब्स्टिट्यूशंस बताए गए हैं वो यूज करते हुए इन रिजल्ट्स को भी मैं डिराइव करूंगा। डेरिवेशन तो इसलिए कर रहा हूं कि पिछला कुछ रिवीजन हो जाएगा, वैसे तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। अच्छा, कुछ मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूं कि ये फार्मूला बनाए कैसे, आए कैसे। लिख लो पहले फार्मूला, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला लिख लो। इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, वन अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए। वो भी करेगा ये काम। दूसरा वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है वन बाई टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस। अगर कहीं बच्चों वेरिएबल पहले हो कांस्टेंट बाद में हो ऐसा हो तो फार्मूला सिमिलर है, इसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए हो जाएगा। ये तीनों फार्मूला पहले नोट कर लो, सभी लोग ये फार्मूला नोट करें। थोड़ा डिफरेंस है एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए लॉग। नहीं लॉग कब में, वन अपॉन टू ए सब, वन अपॉन टू ए थोड़ा डिफरेंस है बच्चों। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तीन रिजल्ट हो गए आपके। अब इन तीनों में रूट लगा दो, रूट कर ओके नेक्स्ट। जल्दी जल्दी को बच्चों ये फार्मूला कभी याद कराऊंगा तुम लोगों को, बेंच पे खड़ा करते लगते हैं मेरे पूरी एक्सरसाइज है। ये तो बेसिक फार्मूला है, इनको तो हमें फ्रीक्वेंटली यूज करना है। सिक्स रिजल्ट्स हैं, ये आधी याद करने। हाँ, तीन थे, तीन अभी लिखिए। देखो यहाँ ये स्पेशल है, इसका फार्मूला बिल्कुल अलग तरीके का है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए है, और ये है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट, और ये है, ये भी वही है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अंश याद हो गया, फार्मूला याद करो, लिख लो पहले। अभी देखना है कि भाई किसने बादाम खाया अगर नहीं खाया बच्चों से लेकर अभी तक, आज खा के नहीं आए, ये रोज खाते हैं, अभी ये बताएगा सारे फार्मूला। जल्दी से नोट करो भाई, फार्मूला में टाइम मत लगाओ। पढ़ा रहा हूँ काम, उसी तो मेरी रोजी रोटी चल रही है।
जितने की निकाल दी मैं 1996 में पढ़ा रहा हूँ बहुत पहले तब से अरे इससे ज्यादा थे हम लोगों ने तो इंटीग्रल कैलकुलस की कई किताबें पढ़ी बहुत अभी आपको दूंगा इंटीग्रल कैलकुलस की बहुत सी बुक्स हैं और उसमें बहुत डिटेल इंटीग्रेशन है इसका यूज होता है जब आप इकोनॉमिक्स को देखो कुछ बच्चे इकोनॉमिक ऑनर्स करते हैं और इकोनॉमिक ऑनर्स जो है एडवांस मैथमेटिक्स एक तरह से वहां पर छोटी मोटी मैथ नहीं यूज होती बहुत हायर लेवल मैथमेटिक्स ये सब तो एबीसीडी ऑफ दैट मैथमेटिक्स तो एक बार एक आगे चल करके जो लोग उसमें एनालिटिकल पार्ट में जाते हैं उनका तो ये फिर तो एक दिन में ही पूरी बुक पढ़ते हैं तुम लोग जैसी अच्छा सुनो इसका यूज करेंगे पहले मैं इनको प्रूफ भी करूंगा अब सुनो आपकी एक एक्सरसाइज है पहले वो फार्मूला वो एक्सरसाइज बनाई गई है फार्मूला याद करने की 7.4 रही है 7.4 के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे आप लोग देखो ये आपका पहला क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 6 प्लस 1 अभी बच्चों से सुनना है आपको नोट नहीं करना है ध्यान देना भाई नहीं अभी नहीं करेंगे अभी तो आपको पता ही नहीं ना कैसे सॉल्व करना समझना भाई इशिता त्रिपाठी का ध्यान ये इंटीग्रल आ गया आपको जितने भी अभी मैंने फार्मूला बताए उसमें न्यूमरेटर में सब में वन था जैसे वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था ना ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब न्यूमरेटर में किसी में भी कोई क्वांटिटी नहीं थी तो करना ये है आप सिर्फ डिनोमिनेटर को जिज्ञासा इधर सुनो बेटा उधर नहीं डिनोमिनेटर मतलब क्योंकि ये फार्मूला है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो डिनोमिनेटर से ही आप सोचना स्टार्ट करोगे यहां पर देखो ये कौन सी क्वांटिटी का स्क्वायर है x टू द पावर 6 कौन सी क्वांटिटी का स्क्वायर है x क्यूब का स्क्वायर ये x क्यूब का स्क्वायर x क्यूब का स्क्वायर करोगे तो x टू द पावर 6 आ जाएगा और फिर ये 1 किसका स्क्वायर है 1 तो 1 का स्क्वायर अच्छा फिर देखो फार्मूला में न्यूमरेटर में अभी कुछ नहीं सोचना फार्मूला में ये सिर्फ वेरिएबल का स्क्वायर x का स्क्वायर होना चाहिए मतलब कोई ऐसा नहीं कि फंक्शन ऑफ x का स्क्वायर है तो फार्मूला यूज करो नहीं ओनली वेरिएबल का स्क्वायर होगा तभी फार्मूला यूज होता है यहां पर x क्यूब का स्क्वायर है तो फार्मूला कभी यूज हो नहीं सकता फिर आप क्या करोगे आप x क्यूब मतलब जो भी यहां पर होगा वट एवर दिस इज इसको आप रिप्लेस करो सब्स्टिट्यूट करो बाय अ सिंगल वेरिएबल सो लेट x क्यूब इज इक्वल टू t हमें क्या करना है इस पूरे को एक वेरिएबल से डिनोट करो पुट x क्यूब इज इक्वल टू जैसे ये सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे तो आपको ये रिप्लेस करना पड़ेगा dx की जगह में dt आना चाहिए तो उसके इसके लिए क्या करते हैं जो ये सब्स्टिट्यूशन यूज करते हो उसके बोथ साइड्स को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो भाई x क्यूब का आएगा 3x स्क्वायर dt / dx है तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt लिख दिया अब बाय चांस ऐसा हुआ है कि हमें ये कंप्लीट वैल्यू मिल गई 3x स्क्वायर इंटू dx ही मिल गया उस पूरे की जगह में क्या लिखा जा सकता है dt तो ये काम अब कर दिया जाए तो ये इंटीग्रल आ गया इस पूरे की जगह में तो dt हो जाएगा और इसको मैंने t से डिनोट किया और ये 1 का स्क्वायर है अब आप देखोगे तो ये फार्मूला यूज हो सकता है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 अपॉन वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर एक ही जगह में क्या है हमारे पास 1 और एक x की जगह में t है फार्मूला यूज हो जाएगा तो अब ये फार्मूला याद करना है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x / a प्लस ही तो रहेगा इधर यूज करो भाई फार्मूला तो क्या है 1 अपॉन a a कितना है 1 है tan इनवर्स x / a प्लस कांस्टेंट बाद में आप जो वेरिएबल t है t में आंसर नहीं छोड़ सकते तो t की जगह में क्या लिखा x क्यूब तो आंसर क्या आ गया tan इनवर्स x क्यूब
प्लस सी। नोट नहीं करेंगे भाई, रुक जाओ रुक जाओ। ये आपको थीम बताई जा रही है कि कैसे सोचना है। अभी एक दो क्वेश्चन और देखना है, उसके बाद नोट करना है। दिख नहीं रहा था तुम्हें? भी नहीं दिख रहा? बोर्ड ऊपर करूं? वैसे होता है कुछ, हाँ हाँ हाँ, इससे वो बिगड़ जाता है, ऐसे नहीं करूँ, इससे होता है, नहीं करूंगा। अच्छा देख लेता हूँ, तो इससे ऐसे करके ऐसे सभी को छोटा करते हैं, बिगाड़ दिया मेरा सारा सेटअप। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, वन अपॉन अंडर रूट, नोट नहीं करना है आपको, एक बार समझना है फिर खुद इन्हीं क्वेश्चंस को करना है। ये फार्मूला ही बेस्ड, मतलब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है भाई, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं। सुनो, आपको जो मैंने फार्मूला बताया है वो बताया है वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये दोनों फार्मूला बिल्कुल एक जैसे हैं, वन अपॉन अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक अलग है। वहां पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये बिल्कुल अलग टाइप का आया था, साइन इनवर्स एक्स बाई आया, और ये दोनों सेम थे, सिमिलर का लॉग एक्स प्लस अंडर रूट सेम क्वांटिटी, और ये था लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ये सेम क्वांटिटी। ये तीन फार्मूला मैंने रूट वाले लिखा है। अब इन फार्मूला में देखोगे न्यूमरेटर में दोबारा है, यहां पर भी वन है। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, डिनोमिनेटर में ये किसका स्क्वायर है भाई? वन का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है? टू एक्स का स्क्वायर। तो एक ही चेंज है यहाँ पर, टू एक्स नहीं होना चाहिए था, एक्स का वेरी एक्स का स्क्वायर, तो टू एक्स को टी ले लेते, हाँ बिल्कुल टी, तो पुट टू एक्स एस टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, टू डी एक्स इक्वल टू डी टी, बहुत बढ़िया फ्लो आ रहा है, तो dx आ जाएगा 1 by 2 dt। अब ये चेंजेस यहां कर देते हैं तो भाई क्या आ जाएगा, 1 upon under root 1 का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, और dx क्या हो जाएगा 1 by 2 dt। 1 by 2 तो कांस्टेंट है, और ये आ गया 1 upon under root 1 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, कोई फार्मूला यूज हो रहा है क्या पहला वाला ही? 1 upon हां नहीं हां ओनली एक्स, एक्स का अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब भाई देखो ये फार्मूला याद है आपको, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है लॉग एक्स प्लस, यहाँ एक्स की जगह में क्या है टी, टी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब सेम क्वांटिटी प्लस कॉन्स्टेंट। बाद में क्या करना है, टी की जगह में क्या रख देना है, टू रख देना, वो 1 by 2 आएगा, फिर वो आदत इसलिए डलवाते हैं कि आपकी कुछ क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस होंगे। ये आंसर आ गया, नहीं यही रहेगा। अब सुनो, एक क्वेश्चन अब आपको सिमिलर टाइप का सॉल्व करना है, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 करो, अभी करते तो सारे 1 upon under root 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, अनंत बताओ भाई इसको सॉल्व करके दिखाओ, क्या ट्राई करो 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 25 आइडिया ले लो, चलो थर्ड कर लो, कोई बात नहीं दोनों करना है, बुक नहीं है, जल्दी करो जल्दी अब रोहित करना करना तो 5x
कॉन्स्टेंट है ना, वन अपॉन आंसर आ गया। आंसर चेक करिए सब लोग अपने, सही है। थर्ड करो, नहीं सर आ गया। ये देखो यहाँ तक की बात क्लियर है, टू एक्स को डी ले लिया था तो डी एक्स वन बाई टू डी डी आ गया, रख दिया यहाँ पर वन बाई टू तो कॉन्स्टेंट है, बाय लिख दिया वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला यूज कर दिया, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। थर्ड और फोर्थ दोनों करने थे, आंसर चेक करना था, चेक कर लो, चेक कर लो। अभी याद हो जाए, थर्ड फोर्थ हो गया, फोर्थ तो हो गया, थर्ड करो। थर्ड फोर्थ जिससे हो गया हो भाई, पहले दस करने हैं, जल्दी निकाल लो। बताओ निशान हो गया, सुनो बेटा स्टार्टिंग यहां से होगी, वन अपॉन अंडर रूट, ये नाइन किसका स्क्वायर है, नहीं नाइन किसका स्क्वायर है, थ्री का, और ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है। अब बेटा यहां कोई दिक्कत नहीं, इसको जो है ओनली वेरिएबल होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पुट 5x एक्स की डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स, 5dx इक्वल टू dt आ जाएगा, तो dx के अंदर कितना आ जाएगा 1 बाई 5 dt आ जाएगा, ये ठीक है। अब i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, और dx क्या आएगा 1 बाई 5 dt, डन। 1 बाई 5 कॉन्स्टेंट पहले लिख लिया जाए, 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। अब बेटा फार्मूला है, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट, बाद में टी की जगह टी की वैल्यू रख दीजिए, बस यही आंसर। गुड भाई, इनसे रुक जाओ, रुक जाओ। वेदिका आपको समझ में आ रहा है? यस सर। आरुष? यस सर। रुक जाओ भाई, धृति बोलो भाई। yes, नहीं, हाँ हाँ ठीक है, माइनस लॉग एक्स लॉग वन अपॉन एक्स होता है, हाँ ओके। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट, थर्ड तो बेटा सिमिलर था, इसमें एक क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 5। थ्री एक्स अपॉन वन प्लस टू एक्स की पावर 4, ये क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड वाला भी करा दो, पहले इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन देखो भाई, क्या करना होता है आनंद बताओ, डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना है, न्यूमरेटर में भी कुछ नहीं करना है, ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, 2x की पावर 4 किसका स्क्वायर है भाई, रूट 2x स्क्वायर का स्क्वायर है, गुड। बहुत बढ़िया, 2x की पावर 4 कौन सी क्वांटिटी का स्क्वायर है वो बता दिया है इन्होंने, रूट 2x स्क्वायर का स्क्वायर। उसके बाद
यहाँ पर सिंपल वेरिएबल होना चाहिए, तो क्या करोगे आप, पुट रूट टू एक्स स्क्वायर एज टी, रूट टू एक्स स्क्वायर को टी लेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट करोगे तो रूट टू तो रहेगा ही रहेगा, टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा, ठीक है भाई, हमने टू एक्स स्क्वायर को तो डिफरेंशिएट किया है। आपके क्वेश्चन में x इंटू डी एक्स है, क्वेश्चन में x इंटू डी एक्स है, तो मैं x इंटू डी एक्स की वैल्यू पता कर लेता हूं, x इंटू डी एक्स कितना आ जाएगा, 1/2√2dt आ जाएगा, ये चेंजेस करके रखो, यहां देखो भाई i क्या हो जाएगा, t तो रहेगा ही रहेगा, x डी एक्स हो जाएगा 1/2√2dt अपॉन में 1² + t² ये पूरा कांस्टेंट क्वांटिटी है, 3/√2 को आप इंटीग्रल के आउटसाइड लिख सकते हो, ये आ जाएगा 3/√2 और 1/1² + t² dt, ये फार्मूला है, 1/a² + x² जब 1/a² + x² का फार्मूला यूज करोगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स t आ जाएगा, बाद में t की वैल्यू रख दी, प्लस सी तो रखने के, टी कितना है भाई, √2x² प्लस कांस्टेंट, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए। ठीक है भाई, यहां तक हो गया, अब सबसे फार्मूला पूछने वाला, याद करो, दो मिनट का है, याद आ गया, जल्दी से याद करो, यही जो 6 रिजल्ट बताया हुआ है, एक एक बताना है किसी को, एक एक पूछूंगा किसी से, बस सर मैं याद कर लूं, मैं वो नहीं बताऊंगा, जल्दी से याद करो, नहीं हाँ भाई प्रिपेयर विमान, अब रहे याद हो गया, जल्दी याद करो, कुछ नहीं है, सिक्स के सिक्स काम, तुम्हारी मेमोरी चलती है बेटा, जल्दी करो, जिज्ञासा फार्मूला पे ध्यान ज्यादा दो, सुनो भाई याद हो गया, दृष्टि बुक बंद करो, नहीं घर नहीं, यही याद होगा, ठीक है, अश्मित इधर देखो, 1/√a² - x² का बताओ, एक मिनट रुक जाओ, अंश 1/√a² - x² साइन इनवर्स एक्स वाई,
मैंने कहा था अलग से वन अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो नेक्स्ट दृष्टि, ध्रुवी याद हो गया। चलो ध्रुवी एक बार बताओ, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का बताओ, बताओ। हाँ ईशान, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ हाँ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस, गुड। आदिति, अरे भाई इधर देखो, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आदिति बोलेगी हाँ, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस प्लस सी, तो सब में रहेगा वन बाई टू, माइनस वन बाई टू किसी में भी। वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस ठीक है। इशिता इधर ही देखना है, वन अप अरे वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन रूट तो था ही नहीं ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पूछा है, वन बाई टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है भाई, जिज्ञासा भाई याद हो गया तो वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बताओ जल्दी से, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अंश वन अपॉन, अरे आसान से पूछ रहा हूँ, वन अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बताओ, वन बाई टू होता ही नहीं रूट में, सिर्फ लॉग, रूट वाले में वन बाई टू होता ही नहीं, ये होता है लॉग, ये लिखा हुआ है। सुनो रूट वाले में, रूट वाले की खासियत दिमाग लो, अब आपको याद हो जाएगा, रूट में एक ये एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला जो है वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका तो है साइन इनवर्स, इसको याद कर लो पहले, रूट ए वन अपॉन रूट ए स्क्वायर। इसके अलावा वन अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सेम क्वांटिटी, वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो वन लॉग एक्स प्लस सेम क्वांटिटी। ये तो भाई सिक्स फार्मूला हो गया, अभी हम लोग इनको डिराइव भी करेंगे। अब सुनो, दो ऐसे टाइप्स मिलते हैं जहां पर इन जितने भी रिजल्ट्स आपने पढ़े हैं इनका अप्लीकेशन है, वो दोनों टाइप्स की बात कर लेते हैं। सुनो भाई, अभी यहां पर विवान वन अपॉन क्वाड्रेटिक, कभी भी इस तरह का इंटीग्रल आएगा तो अभी बता दिया जाएगा, बाद में आपका वहां मैं छोड़ दिया करूंगा, आप पूरा किया करोगे। वन अपॉन क्वाड्रेटिक कैसे आएगा, वन अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का इंटीग्रेशन, तो क्या करना होता है, इसके बिल्कुल स्टेप फिक्स्ड है, वो पहले एक बार स्टेप देखना है, नोट नहीं करना भाई। एक क्वेश्चन लेते हैं, वन अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप लिख लो, तो टाइप वन अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी बुक का, वन अपॉन क्वेश्चन है 9x² प्लस 6x प्लस 5, ये है इंटीग्रल, वन अपॉन 9x² प्लस 6x प्लस 5, ध्यान देना भाई स्टेप प्रॉपरली, बाकी करो लिखना, 9 लिखा है मैंने, मैं ऐसे ही 9 लिखूंगा, बस तुम्हें समझना है। अब भाई बच्चों क्या करना है, ध्यान से समझना, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर के रूल्स आपने पढ़े थे 10th क्लास में, बता देता हूं एक्स स्क्वायर का जो भी, पहले तो जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो ना, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को सिस्टमैटिक, मतलब पहले क्वाड्रेटिक टर्म, फिर लीनियर 1 डिग्री वाला, फिर कांस्टेंट, इसी फॉर्म इसी स्टेप ऑर्डर में लिख ले,
इसके बाद एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशियंट हो उसको कॉमन ले, 9 कॉमन ले। कॉमन लेने का काम तो आपको पता है, जो आप कॉमन लेते हो तो इस टर्म में वो क्वांटिटी से डिवाइड करना होता है, इस टर्म को उस क्वांटिटी से डिवाइड करना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 6/9x प्लस 5/9, जो कॉमन लिया है उसी से डिवाइड कर दो इस क्वांटिटी को, तो याद है थोड़ा सिंपलीफाई हो रहा तो कर लेंगे, 1/9 को तो इंटीग्रल के आउटसाइड लिख सकते हो, लिख दिया। और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये 6/9 है तो 2/3 लिख दिया, ठीक है भाई। इसके बाद वाला स्टेप है मेन स्टेप, एक्स का जो कोफिशियंट है, एक्स का जो कोफिशियंट है उसका हाफ कर लो, क्या आएगा हाफ, हाफ ऑफ 2/3 रफ वर्क 1/3 आएगा, एक्स का जो भी कोफिशियंट है उस क्वांटिटी का हाफ कर लो, हाफ ऑफ दैट क्वांटिटी आ गया 1/3, जो भी आ जाए ना उसका स्क्वायर प्लस करो और स्क्वायर माइनस, 1/3 जो आया हाफ ऑफ दिस, एक्स का जो कोफिशियंट था उसका हाफ किया, जो नंबर आया उस क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस और माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 1/9 1/x² प्लस 2/3x, और उस क्वांटिटी का स्क्वायर यहां लिखूंगा, माइनस भी कर देता हूं सेम क्वांटिटी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम क्वांटिटी का प्लस किया सेम क्वांटिटी माइनस, कौन सी क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस और माइनस करना है, हाँ इससे होगा, गुड क्वेश्चन। अब बेटा अगर ये किया तो इसको देखो, ये x प्लस 1/3 का स्क्वायर है, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या हुआ, ऐसा करने के बाद ये जो पार्ट है ये 1/, ये क्या हुआ एक्स प्लस 1/3 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस करोगे दिया है। यहाँ पर इन तीनों में आप एक कोई ना कोई आइडेंटिटी बता देख सकते हो, क्या है ए प्लस बी का स्क्वायर होगा या ए माइनस बी का स्क्वायर होगा, ये आ गया समझ में भाई, ओके बच क्या गया, ये माइनस 1/9 बच गया और ये प्लस का 5/9 बच गया, सिंप्लीफाई करो तो कितना आएगा ये, तो अब भाई देखो यहाँ लास्ट का पार्ट यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ के बाद आप देखो ये आ गया 1/9 1/x प्लस 1/3 का स्क्वायर, ये प्लस का 4/9 आ गया, किसका स्क्वायर है वो 2/3 का स्क्वायर। अब भाई आपने अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं, जो अभी जितने भी क्वेश्चन किए थे उन सब में क्या करना था, ये सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, टी ले लेते बिल्कुल, एक्स प्लस 1/3 को टी ले लिया क्योंकि सिर्फ वेरिएबल का स्क्वायर होना चाहिए था, फॉर्मूला यूज होगा डिफरेंशिएट करो तो dx इक्वल टू dt आ जाएगा, क्योंकि इसका 1 हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा dt by dx, तो dx इक्वल टू dt आ गया। अब भाई ये चेंजेस कर लेते हैं, अगर आपने ये चेंजेस किए तो i इक्वल टू आ गया 1/9 1/t² प्लस 2/3 का स्क्वायर, कोई अभी फार्मूला याद कराया था 1/x² प्लस a² का, 1/x² प्लस a² का फार्मूला क्या था 1/a, a कितना है 2/3 tan इनवर्स x/a मतलब t/2/3 प्लस कांस्टेंट, सिंपलीफाई कर लो तो आ गया 1/6 tan इनवर्स 3t/2 है, अच्छा t की जगह में बाद में वैल्यू रख देना जो आपने किया है आंसर आ गया, ये 1/quadratic का आपको बताया गया है, 1/quadratic क्या किया जाता है सारे स्टेप ध्यान से सुन लो, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होगा कॉमन लेना तो आता है, ये 1/9 को हमने इंटीग्रल के आउटसाइड लिख दिया, इसके बाद ये सिंपलीफाइड फॉर्म आ गया, इसके बाद का एक स्टेप ध्यान रखो कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर के लिए, एक्स का जो कोफिशियंट होता है उसका हाफ करते हैं, जो क्वांटिटी आती है उसका स्क्वायर प्लस एंड माइनस करते हैं, इसके बाद यहाँ आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, फिर आप यहाँ पहुंच जाओगे, फिर तो आगे का स्टेप तो आपको पता है, 4-5 क्वेश्चन अभी आपको कराए गए, एक क्वेश्चन आप करोगे, दे रहा हूं क्वेश्चन लिखो, ये नोट क्या करना है, क्वेश्चन करो सॉल्व करो भाई,
लिखो एक क्वेश्चन फाइंड द इंटीग्रल, नहीं वो अलग से दे रहा हूँ, वन अपॉन एट प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एट प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है, मैंने दे दिया वो तुम्हें दिखेगा नहीं बेटा, एक्सरसाइज नहीं है वहां पर, तुम्हें यहाँ नहीं दिख रहा, तुम मोबाइल भी टूट रही, अरे यार अच्छा यहाँ पर एक बार बताओ क्वेश्चन नंबर पूछना कोई लॉजिकल है यहाँ पर, अरे क्वेश्चन लिखा है बस पिछला वाला 11 था, 1 upon 9 x square, ये वाला ये था, ये 11, ये पिछले वाला क्या था, पिछले वाले क्या मतलब इसको करो सर, क्या नहीं बताऊंगा ना, देखा सर, पहला स्टेप क्या बताया गया है ध्यान से सुना करो, पहला स्टेप बताया गया है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल उसको ऑर्डर में लिखो, इशिता त्रिपाठी आपको मैंने बताया था ना ऑर्डर में लिखने के लिए, तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस एट, ये लिख दिया ओके okay. अब इसके बाद तुम कह रहे थे ना एक्स का कोफिशिएंट कॉमन लेना, पहला काम है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है कॉमन लो, माइनस वन कॉमन लो, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एट, इसके बाद का स्टेप फिर से सुन लो, आगे का स्टेप क्लियर है, सर पिछला नहीं इसी को देख, मैंने कहा था रुको तो, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर लो, थ्री है, थ्री का हाफ क्या आएगा, थ्री बाई टू, गुड, उसका स्क्वायर माइनस करो, थ्री बाई टू का स्क्वायर प्लस कर दो, थ्री बाई टू का स्क्वायर माइनस कर दो, और माइनस एट तो एज इट इज रहेगा, डी एच रहेगा, ठीक है, अच्छा अब भाई यहाँ आइडेंटिटी देखो किसका स्क्वायर है, ये एक्स माइनस थ्री वाई टू का, गुड गुड, माइनस लगा रहने दो, ये एक्स माइनस थ्री वाई टू का स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी है, और ये माइनस नाइन बाई एट पर नाइन बाई फोर माइनस एट, ये आ जाएगा माइनस फोर्टी का, यस माइनस एक्स माइनस थ्री बाई टू का स्क्वायर माइनस फोर्टी वन बाई फोर, रूट तो ही नहीं है, अच्छा हाँ यहाँ तक ओके है, माइनस मल्टीप्लाई कर दो भाई लास्ट में, कर सकते हैं कोई बात नहीं, अब भाई इस टाइप का क्वेश्चन स्टार्टिंग नहीं कराया मैंने, क्या बताया ये किसका स्क्वायर है, ये तो ठीक है स्क्वायर लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं भाई, यहाँ लिखता हूँ माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, वन अपॉन ये किसका स्क्वायर है भाई, रूट फोर्टी वन बाई टू का स्क्वायर माइनस, वो तो एक्स माइनस थ्री बाई टू है ही, कोई दिक्कत नहीं, अब क्या करते हैं, इसको तो कुछ नहीं करना है, इसको करना है एक्स माइनस थ्री बाई टू को टी ले लो, ऑलवेज डी एक्स इक्वल टू डी टी आने वाला है,
भाई x का कोफिशिएंट 1 है ना, 1 माइनस 0 ही आएगा, ऑलवेज यही आएगा, तो dx इक्वल टू dt आएगा, तो क्या आ गया भाई ये 1 अपॉन रूट 41 बाई 2 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt, फार्मूला है भाई ये 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फार्मूला, मैं बोल बोलो बोलो 1 बाई 2 a log a प्लस x बाद में डिग्री जगह में डिग्री वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई कोई बात नहीं कितना आ माइनस लॉग को फिर करोगे तो चेंज हो जाएगा अब भाई देखो चलो बहुत ही ठीक है लिखते हो तुम लोग सर करेंगे सब करो आनंद यार कर रहे हो तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12 करो अरे इनको दे रहा हूँ जो कर चुके हैं वो है ना हाँ क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करो हो गया एक बात बतानी थी बस रुको रुक तो जाओ पहले एक इंफॉर्मेशन है न्यूज़ है न्यूज़ रुको ब्रेक नहीं दे रहा सुनो सुनो अगर बच्चों यहाँ रूट होता अगर मान लो स्टार्टिंग में रूट ऑफ क्वाड्रेटिक होता अभी बता रहा हूँ ना अगर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक होता तो ऑपरेशंस में कोई चेंजेस नहीं करना है रूट लिखा रहेगा वैसे ही आप करोगे रूट लिख दिया ऑर्डर में लिख दिया और एक लाइन है रूट रूट यहाँ है ये जो माइनस वन है ये रूट के आउटसाइड लिख देते हैं कुछ बच्चे जा नहीं सकता कुछ क्योंकि रूट ऑफ माइनस वन तो आयोटा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा होगा कोई बात नहीं माइनस वन को यही रूट के अंदर ही लिखा रहने देना और रूट लगते चला जाएगा फिर यहाँ पर यार रूट आ जाएगा ये रूट रहेगा फिर माइनस वन को मल्टीप्लाई करना जरूरी है यहाँ तक तो रूट रहेगा और ये रूट ऑफ और बच्चों रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता बस ये मैंने जो बताया है अभी इसी पर बेस क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको करिए क्वेश्चन नंबर 12 लिख देता हूँ लिखो भाई 12th क्वेश्चन ये सॉल्व करो 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 6 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर मैं चेक करने वाला हूँ सभी लोग सॉल्व करिए इसको सॉल्व करो भाई ये वाला ट्राई करो सब लोग लिखो और तुम्हारा मोबाइल दो आदमी देगी क्वेश्चन क्यों देख रहे जो मैं लिखता हूँ वो सॉल्यूशन देख रहे अभी बता दो बेटा आप बताओ कहाँ पर लिख लो भाई क्वेश्चन लिख लो लिख लो आपको दो बातें बताएंगे ध्यान से सुनो फिर से सुन लो अश्मित जिसको नहीं समझ में आया सुने पहले तो क्वाड्रेटिक को ऑर्डर में लिखना है ऑर्डर में लिखने का मतलब अभी तो ऑर्डर में नहीं है रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस का 7 ये पहला स्टेप है इसके बाद रूट के अंदर ही रहेगा भाई माइनस वन ध्यान देना एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है वो कॉमन लेना है ये दूसरा स्टेप है माइनस वन है तो माइनस वन ले लेंगे अगर वन होगा तो नहीं जरूरत नहीं ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस 7 ये स्टेप ठीक है भाई
याद है, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो स्टेप है ना, ईशान इसके बाद वाला स्टेप बताओ क्या करना है। एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको पता करो, सिक्स है, हाफ करो, थ्री आएगा। जो भी आए एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, उस क्वांटिटी के स्क्वायर से प्लस, स्क्वायर प्लस करना है, थ्री का स्क्वायर प्लस किया, सेम क्वांटिटी माइनस करनी पड़ेगी आपको। हाँ, क्योंकि न्यूट्रल रहना है ना, नेट चेंज तो जीरो होना चाहिए ना। थ्री स्क्वायर प्लस किया तो थ्री स्क्वायर माइनस कर, ये स्टेप ओके है। अगर ये स्टेप ओके है तो क्या करोगे, कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज हो रही होगी यहाँ पर तीनों में। बताओ आरवी क्या आइडेंटिटी, अरे यहाँ पर बोल दो ना, एक्स प्लस क्या, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर है ना। ये आइडेंटिटी देखो, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री इंटू एक्स, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख देंगे। माइनस नाइन माइनस सेवन, माइनस नाइन माइनस सेवन माइनस सिक्सटीन। इस वाले पार्ट में ध्यान देना, माइनस वन से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। सर आ गया, आ गया क्या सर, आ गया आंसर। माइनस वन से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, 16 माइनस एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर हो गया। अब भाई बच्चों, इसके बाद तो फार्मूला है। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने स्टार्टिंग में किए हैं, फर्स्ट फाइव क्वेश्चन इसी तरह के थे। ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 4 का। वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स प्लस थ्री अपॉन फोर। यस दैट इज द आंसर। ये हाँ, अब बोलो बोलो सर, अभी दे दो। ये 4 का स्क्वायर, ये एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर, एक्स प्लस थ्री को टी लेना, फिर आ जाएगा। ब्रेक चाहिए, कितना टाइम हुआ है, साढ़े ग्यारह। हाँ हाँ, ब्रेक चाहिए।